तो चोली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्केल, मेजरिंग टेप, एक कैंची और चॉक और हमारी नाप। तो हमारी नाप इस तरह है, लंबाई इसकी दी है 15, इसका चेस्ट दिया हुआ है 34 और इसका वेस्ट दी हुई है 33। तो आइए इसी की नाप के हिसाब से हम अपनी कटिंग करते हैं। ये इसकी लंबाई दी हुई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो हम लंबाई में ही करते काटते हैं। सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई लेंगे हम, सबसे पहले लंबाई नापेंगे। ओके ठीक, लंबाई तो पूरी है 15 इंच प्लस 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन आता है, ये देखिए 6.5। चलिए अब इसका योक नापते हैं। नॉर्मली हम योक लेते हैं 7, 6.5, बस इससे ज्यादा नहीं, तो हम 6.5 इसका योक लेंगे, 6.5। इसका तीरा लेंगे 7 इंच। अब इसका चेस्ट देखते हैं, इसका चेस्ट था 34, ये आ गया 34 हमारा, 34 का 1/4 करेंगे, ये 1/2 हो गया और ये 1/4 आ गया 8.5। सारे 8 ले लेंगे प्लस 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई का, अब हम नापेंगे इसकी वेस्ट। वेस्ट दी हुई है 33, 33 को भी ऐसे ही करेंगे, 33 का 1/4 करेंगे, कितना आ गया 8। वेस्ट जब हम नापेंगे 8 इंच हमारी वेस्ट हो गई। यहाँ पे इसमें बीच में 2 डार्ट्स पड़ेंगे, उसका 1 इंच हो गया और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। ये हमारा सिलाई का निशान और ये कटिंग का निशान। इसको हल्का सा शेप देंगे। ये पीछे का शेप हो गया, आगे का शेप जो देंगे वो थोड़ा अंदर से और गहराई से। अब यहाँ पे डार्ट्स के निशान लगा ले, यहाँ ये 3 इंच ये लेंगे, 3 इंच निशान ले लिया, ऊपर भी सेम 3 इंच लेंगे और ऊपर से नापेंगे 10 इंच। जहाँ पे हमारा 10 इंच का पॉइंट आएगा ये हमें अपनी नाप मिल गई डार्ट्स की। आधा इंच इधर लेंगे और
लाइन इधर, इसको इससे मिला देंगे। लाइन डॉट्स रेडी। चलिए इसकी कटिंग चलिए कोटी तो हमारी कट गई, अब हम इसकी स्लीव्स काट लेते हैं। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नापेंगे पॉकेट 9 इंच, ये भी लेंगे 9 इंच। बराबर रखेंगे जो ये ओपन साइड है, निशान लगाएंगे 4.5। इस निशान को इस लाइन से यहाँ मिला देंगे। ये हमारी लाइन आ गई 10 इंच। बीच में एक पॉइंट लेंगे, 1 इंच का इसमें मार्जिन देंगे शेप देने के लिए। शेप हो गया। अब इसके बॉटम पे आएंगे। इसका बॉटम हम लेंगे 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच लेंगे। इसको से मिला लेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगा दिया। यहाँ से हम हल्का सा स्लीव्स के आगे का शेप देंगे। आइए इसकी कटिंग करते हैं। इस साइड हो गई और एक हमारे साथ इस साइड हो गई, ये दोनों स्लीव्स हो गई। इसको ऐसे पकड़ेंगे। जो निशान दिया था हमने यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग से आगे की साइड पे होगी, क्योंकि आगे का जो हमारा भाग होता है वो थोड़ा कम होता है पीछे का भरा हुआ था, तो पीछे कटिंग इसको शेप नहीं देंगे।
चलिए हमारी शेप्स भी हो गई। ये रहा अस्तर का कपड़ा, कोटी हमने काटी थी। अस्तर सिर्फ कोटी में ही लगाएंगे, आस्तीन में नहीं लगाएंगे। कटिंग हो गई। हम चोली का आगे का पार्ट लेंगे और अस्तर के भी आगे का पार्ट लेंगे। अस्तर ऐसे रखेंगे। बीच का ये पॉइंट ले लिया। इसके आगे की योक को थोड़ा और गहराई में स्टिचिंग करते हैं। फ्रेंड्स इसको अब हम सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गला बनाएंगे, ये हमारे आगे का भाग है। ये अस्तर का कपड़ा है और ये हमारी चोली का कपड़ा। चोली का कपड़ा अब हटाएंगे। फोल्ड करेंगे जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा था वो इमेज में उसमें बोट गला बना हुआ था, तो सेम हम वैसे ही बनाएंगे। आइए बोट गले की नाप ले ले। बोट गले की चौड़ाई होती है 5 इंच और गले की गहराई होती है 3 इंच। हल्का सा बोट की शेप में इसको डिजाइन करेंगे। चलिए ठीक। ये जो हमने शेप दिया है इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। गुड। ओपन करेंगे।
ये देखिए आ गया ना परफेक्ट निशान, हम इसको डार्क कर लेंगे। चलिए गले का तो निशान हमें मिल गया है। थैंक यू। अब हम आगे के भाग की चोली लेंगे, ये आगे का है और ये पीछे का है, ये सीधा कपड़ा है। चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं। ये क्रीज लाइन बन गई है। अब इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। सिलाई हो गई। आधा इंच मार्जिन देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसमें नॉचेस लगाएंगे। जस्ता तैसे हम पलट देंगे। अब इसके टॉप पे एक सिलाई लगा देंगे। लिए हमारे आगे का गला तैयार। अब ऐसे ही हम पीछे की साइड पे भी सेम ऐसे ही गला बना लेंगे। ये पीछे के भाग की चोली हमारा गला तैयार हो गया, ये आगे के भाग की चोली का भी गला तैयार हो गया। अब इन दोनों के कंधे जोड़ देंगे, ऐसे करेंगे, अटैच करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जब हम कंधे को जोड़ेंगे तो इसमें आधा इंच यहाँ पे डाउन करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे। आधा इंच डाउन करने से हमारी जो कंधी उतरती है वो नहीं उतरेगी। फिर सिलाई लगा लेते हैं। परफेक्ट। ये देखिए हमारी कोटी तैयार है। आइए उसके लिए स्लीव्स काटते हैं। ये स्लीव्स है। ये जो पोर्शन होगा ये आगे के भाग में होगा और ये पीछे के भाग में।
ढाई इंच लेंगे ये, यहाँ पे भी ढाई इंच। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए और एक पट्टी लगाएंगे। ये कुछ कपड़ा है, ये और एक पट्टी काट लेते हैं। देखिए हमारा डिजाइन तैयार। चलिए ये हमारी कोटी है स्लीव्स, यहाँ पे से अटैच करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, इस साइड पे भी ऐसी सिलाई लगा देंगे। आइए अब सिलाई लगाएं।
तो ये लिए फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स लग गई। अब इस चीज़ को हम फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए कपड़ा लेंगे, इसमें से एक पट्टी निकाल लेंगे। पट्टी हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस साइड भी सेम ऐसी स्लीव्स लगा लेंगे। लिए हमारे अब स्लीव्स तैयार हैं, इसका डिज़ाइन तैयार है। अब इसके बॉटम को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, फिर इसकी फिटिंग करेंगे। आइए अब सिलाई लगाते हैं। ये एक सिलाई लग गई है, अब इसके ऊपर की साइड पे यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी स्लीव पे भी ऐसे ही कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों स्लीव्स रेडी हैं, अब इसकी फिटिंग करते हैं हम। जिस तरह से हमने 1.5 1.5 इंच मार्जिन लिया था, वैसे ही हम इसको निशान लगाएंगे।
तो ये हमारी स्लीव और फिटिंग भी हो गई। अब इसमें डार्ट्स डालते हैं आगे और पीछे। यहाँ पे 3 इंच लेंगे, 3 इंच, डार्ट्स की लंबाई लेंगे 5 इंच। डार्क करेंगे। दोनों साइड पर हमें निशान आपको मिल गया। पीछे भी सेम ऐसे ही करेंगे। डार्ट्स को सिलते वक्त ध्यान रहना चाहिए ऊपर की साइड पे गोल ना आए, एकदम नोक जैसी आनी चाहिए। ओके, पीछे के भाग में भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ली हमारी दोनों तरफ की डार्ट्स तैयार हैं। अब हम इसके बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इतना। आप चाहे तो इसे चौड़ा 1 इंच 2 इंच में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हमारी बॉटम की सिलाई लग गई।
परफेक्ट। तो लिए फ्रेंड्स हमारी चोली बनके तैयार है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।